अभी भी आवाज आ रही है मुझे यहाँ से। हाँ जी, विच ऑप्शन विल यू यूज टू डू द रैप टेस्ट? विच ऑप्शन विल यू यूज टू अप्लाई रैप टेस्ट? अगर मुझे ये इनकम पर वीक और अमाउंट इन रुपीस रैप टेक्स करना है, कौन सा टैब यूज करोगे? मैम फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट मेन्यू विच ऑप्शन? यस 9C प्लस स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट मेन्यू सेल्स ऑप्शन। इन दैट सेल्स ऑप्शन विच टैब विल बी यूज्ड फॉर रैप टेक्स्ट? Out of these tabs, which tab will you use? Alignment. In alignment, wrap text. Click on OK. Now the text will wrap in multiple lines according to the width. Control Enter. I have used Control Enter. कंट्रोल एंटर वर्क कर रहा है? यस मैम। यस मैम। मैं एक्सेल में नहीं कर रहा था। कंट्रोल एंटर। ओके, दैट इज अ शॉर्टकट की फॉर रैप टेक्स्ट। हां जी, हाँ जी, रैप टेक्स ऑप्शन क्लियर है? नाउ इज ओके। हाँ जी, हाउ विल यू कैलकुलेट अमाउंट इन रुपीज इज गिवन, वीक्स आर गिवन, इनकम पर वीक, व्हाट फॉर्मूला विल यू अप्लाई टू फाइंड आउट इनकम पर वीक? टोटल इनकम इज गिवन, नंबर ऑफ वीक्स आर गिवन, इनकम पर वीक। अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है पर वीक, डिवाइड बाय पर वीक। टोटल इनकम इज नंबर ऑफ वीक्स आर गिवन। आई वांट टू कैलकुलेट द इनकम पर वीक। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वीक्स। टोटल इनकम इज गिवन इन व्हिच सेल? B4. Formula will be B4 divided by C4. Vanshika? C4. 12 किसमें है? अपनी शीट में देखो। अंची, लास्ट वेंचर किसको क्लियर नहीं हुआ? पूछो बेटा, टोटल इनकम इज गिवन, नंबर ऑफ वीक्स आर गिवन, कि इतने वीक
इनकम हुई है, तो पर वीक इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय डिवाइडिंग. तो 24,500 इज गिवन इन विच सेल? आपने जहां भी एंटर किया है, जिस सेल में भी है, डिवाइड दैट सेल बाय 12. जिस सेल में भी है उसका रेफरेंस. हियर आई एम हैविंग इन B4 एंड C4, सो आई विल राइट इज इक्वल टू B4 डिवाइडेड बाय C4. फॉर्मेट मेन्यू सेल्स ऑप्शन. अगर आपका कॉलम का विड्थ करेक्ट है तो रैप टेक्स्ट नहीं होगा. कॉलम का विड्थ कम है देन टेक्स्ट विल रैप टू द नेक्स्ट लाइन. ओके, टोटल इनकम पर वीक, टोटल इनकम पर वीक, हियर टोटल इनकम पर वीक. अपने आप ही हो रहा है यार.
क्या
फॉर्मूला लगेगा यस वंशिका ओके अमाउंट इज गिवन इन विच कॉलम B11 डिवाइडेड बाय C11 नाउ यू कैन ड्रैग द फॉर्मूला ऑटो फिल हाँ जी मैम इधर ये जैसे पॉइंट 3333 आ रहा है रिजल्ट पॉइंट 3 बना है Yeah.
Okay, now next. Total spending per I'm done. Total spending per week, add all these values is equal to sum D 11 and beta. D11 D18. That will give you the sum. You can decrease the decimal points by clicking on decrease decimal. बेटा दिस इज बिकॉज आपकी जब आपका नंबर टेक्स्ट कॉलम का कम है तब आता है. That means value fit नहीं हो रही है. I'm decreasing the decimal up to 2. Now it will not happen. Now, okay, money left per week. Money left per week. क्या formula आएगा? This is the total income. Total income per week minus total spending per week. Money left. Total income per week. It is in which cell? DA minus D20. DA minus D20. दो तो क्या हो गया? Loss नहीं हो सकता. Loss भी तो हो सकता है. You can decrease the decimal from here, or you can go to format cells. Just type 2, click on OK. Now currency
currency. Now dollar आ रहा है. Change the language. लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं है. ऊपर आपके पास फॉर्मेट है, फॉर्मेट है आपके पास. चेंज द फॉर्मेट टू रुपीस. इंग्लिश में INR. मैम डन. दिस इज INR. मैम मैंने हिंदी में, मैंने इंग्लिश किया. इंग्लिश कर सकते हो. इंग्लिश. नाउ इट विल गिव यू रुपीस. स्पेंडिंग की अलग, इनकम की अलग,